बलिया के रड़सा में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। पत्राचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर झूठ बोलना शुरू करेंगे। भाई आचार संहिता लग गई है, हमको वोट दीजिए फिर आगे हम आरक्षण देंगे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन की सरकारें हैं, सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की कवायद है। 17 जाति के लोग आंदोलित हैं, बीजेपी के पत्राचार से गुमराह मत होइएगा। तो राजभर ने बीजेपी पर ये निशाना साधा है, कहा है कि बीजेपी लोगों को गुमराह करती है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आए थे, अभी उनके जिले में कलेक्ट्रेट में लोग साण हाँक के पहुंचा दिए, और यहाँ जो योगी जी का ललका साण है वो किसानों का धान, इस समय किसानों का जो है अरकल मटर गेहूं आलू गोभी चल रहा है, ये शिवराज चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। और तो मजे की बात कि सड़क पर 70% एक्सीडेंट इस समय योगी जी के ललका साण से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चले जाइए, आपको 70% मरीज साणों से लड़के मिलेंगे। ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी 75 साल में सबसे पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। बांदा में तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति का पार्टी से मनमुटाव सामने आया है, जिसके चलते ब्रजेश प्रजापति जनसभा स्थल पर नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही जनसभा के मंच पर भी ब्रजेश प्रजापति का नाम नहीं लिया गया। जन विश्वास यात्रा की जनसभा से बीजेपी के तेंदवारी विधायक नदारद दिखे। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज में बैंक मैनेजर से परेशान किसान ग्राहक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लोन के नाम पर मैनेजर ने मृतक से मोटी रकम ली थी, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे को जाम कर दिया, और ये जाम 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिजनों की तरफ से बैंक मैनेजर के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई, वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बाराबंकी की, जहां पर बैंक मैनेजर से परेशान होकर किसान ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद किसान के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और घंटों तक हाईवे को जाम भी किया। ऐसा हुआ, इन लोगों ने जो है लोन लगवाया बनवाया था, लोन करवाने के बाद इन लोगों ने बोला कि 80% तुम लोग को हम ब्याज छूट देंगे, सरकार की तरफ छूट मिलेगा। इन लोगों ने केवल 2-2.5 लाख ना 2.5 लाख रुपये दिया, बाकी पूरे बैंक खा गए। उसके बाद कैश वो लोग 50,000 रुपये ले रहे हैं, मतलब बार बार फोन कर रहे हैं 50,000 रुपये 50,000 रुपये बार बार फोन बुलाया जा रहा है कि हमको कल भी फोन आया कि मतलब 50,000 रुपये हो गया, मतलब चाचा ये लोन लिए थे बैंक से, और उसके बाद ये मतलब मैनेजर 2 लाख का बीमा कर दिया इनका, ठीक है, और उसके बाद मतलब बोले कि 30% की छूट मिलेगी आपको, 30% छूट मतलब उन्हें 50,000 रुपये और दो, मतलब ले चुके हैं उसके बाद और मतलब दलाली कर रहे हैं। तहसील फतेहपुर में कोटेदार की दुकान से मिले चावल में प्लास्टिक के चावल मिले होने की बात से हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि कोटे के चावल में कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं, जब इसे पकाया जा रहा है तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, लोग इसे प्लास्टिक का चावल कहकर अब खाने से मना कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा चावल गोदाम से मिला था वही बांटा जा रहा है, अगर चावल को लेकर शिकायत आ रही है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। क्योंकि वहाँ से भी एक साथ पूरा का पूरा लद रहा है, यहाँ आया होगा, ऐसे बोरे तो आज तक नहीं आए हैं। अब खाते मतलब अच्छा नहीं लगता है वो काम भी, जैसे और फिर क्या बीमार से बच्चे खिला दो, कुछ बीमारी हो जाए जैसे। नहीं, क्या लगता है कि चावल के प्लास्टिक का क्या है? तो प्लास्टिक तो है ही है भैया,
इसकी शिकायत की है आपने कहीं? कहीं नहीं भैया शिकायत की है। कोटेदार से? कोटेदार से मतलब तो यही हुआ क्या, कोटेदार का तो भरा हुआ है नहीं, जैसे जैसा पाया वैसा बांट दिया। वोटर्स लेके आए, जब पकान खाएं तो प्लास्टिक के चावल निकले, शाम को पकाएं और सुबह प्लास्टिक के चावल निकले, तो ये खा लेंगे जो, तो हम लोग आँख में चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, हाथ खराब हो जाएगी। जब शिकायत करो तो वो शिकायत फिर सुनेगी नहीं। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप लोग? छह यूनिट मिलता है। 12 किलो मिला आपको? हाँ, आपको 12 किलो मिला है, 18 किलो गेहूँ मिला है। बस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने मांग की है कि तत्काल मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम लोग सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी देंगे। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष बस्ती संजय चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी बस्ती को एक ज्ञापन भी दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि संजय चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें 14 सदस्यों ने डीएम को यह ज्ञापन भी एक सौंपा है। क्षेत्र में विकास के लिए यह काम किया जा रहा है। विकास तो ठीक है, लेकिन ये इतने साथ में ये पहली बार ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? विकास के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि जो हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं उनका प्रस्ताव लेकर के उनका नहीं सम्मिलित किया गया। ये बाहरी ठेकेदारों का प्रस्ताव लेकर के वो सम्मिलित किया गया है जिला पंचायत। सभी जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव का है, हमारे सभी साथियों से प्रस्ताव मांगा गया और प्रस्ताव हम लोगों का एक भी सम्मिलित नहीं किया गया। हम जनता के बीच में जवाबदेह हैं, जनता ने मुझे चयन किया है क्षेत्र में विकास करने के लिए। जो प्रस्ताव हमारे सदस्यों ने दिया उसको उसमें न रख करके सभी ठेकेदार या अन्य लोगों का प्रस्ताव उसमें लिया गया है। गाजियाबाद एसओजी पुलिस और मुरादनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने विधानसभा चुनावों के प्रभावित करने से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसके साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 4 अभियुक्त फरार हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने में 1 से 2 महीने का समय बचा है, उसको देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना चुनाव के समय पर ना घट सके। इसको लेकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उनको देखते हुए एक अवैध असलहों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत हमें जानकारी मिली कि वापस से मुरादनगर में एक और अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और जो लोकल थाना मुरादनगर है वहां की टीम ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करी है। और इसमें ये गुड़ मंडी के पास जीतपुर है, वहां पे स्थित एक मकान था, ये मकान जो कि जहीरुद्दीन का है, उस मकान पे एक बेसमेंट था, बेसमेंट के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। और इस पे मौके से जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें 5 व्यक्ति हैं जो मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम अमन उर्फ अन्नू, नूर हसन सैफी, सलमान कुरैशी, सुहेल मलिक और यूसुफ रांगण हैं। इसके अलावा 4 व्यक्ति जो वहां थे वो भागने में सफल रहे हैं। गोंडा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री पलचू राम की अगुवाई में गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र से रोड शो निकालकर जनता का आशीर्वाद लिया गया। यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जिले में चौराहे और सड़कों पर यात्रा का फूल माला से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि दिवाली मनाई जाती है तो अयोध्या में लाखों करोड़ों दिए जल जाते हैं, वहीं जब सपा की सरकार होती है तो सैफई महोत्सव में मुंबई की बार बालाएं डांस करने का काम करती हैं। दीपावली मनाई जाती है तो आपके पड़ोसी जनपद अयोध्या में जहां प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है तो वहां लाखों करोड़ों दिए जलाए जाते हैं,
और दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो सपही महोत्सव मना करके बंबई की मालाओं का डांस कराने का काम अखिलेश यादव करते हैं। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि भारत माता के मस्तक पर चंदन लगा करके घूमते हुए नौजवानों की टीम सरकार चाहिए या वंदे मातरम कहने वाली सरकार चाहिए या सैफई में डांसिंग करते हुए बार बालाओं की टीम वाली सरकार चाहिए, यह आपको तय करना है साथियों। हरदोई में समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर माना सिंह यादव की जुबान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए फिसल गई और उन्होंने बोला कि मुद्दों से ध्यान भटकाना समाजवादी पार्टी की रीति और नीति रही है। वो हरदोई के सपा कार्यालय पर बूथवार शिक्षकों की भूमिका पर संवाद से समाधान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शादी की उम्र इधर से उधर की गई, महिलाओं की सुरक्षा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं के लिए सपा ने काम किया और आज महिला सपा के साथ हैं। तो आपको बता दें कि सपा एमएलसी की ये जुबान फिसल गई है। दरअसल कहना कुछ और वो चाह रहे थे लेकिन बयानबाजी करते समय ध्यान उनका नहीं रहा और बात कुछ और निकल गए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जाता है क्योंकि शादी की उम्र इधर से उधर कर दी गई है लड़कियों की, क्योंकि मुद्दे से भटकाने का यहां पर काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई लेना देना महिला सुरक्षा से नहीं है, महिलाओं के लिए सपा ने काम किया और आज महिलाएं सपा के साथ खड़ी हैं। देखिए महिलाओं की आबादी काम करने वालों के साथ है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 10-90 उमर पावर लाइन चलाया और यहाँ तक कि 100 डायल की थाना खुद चलकर आपके घर आता है। तो महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्योंकि उनके हितों की सुरक्षा सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार में हुई और कन्या विद्याधन से लेकर के महिलाओं के बारे में समय समय पर समाजवादी पार्टी ने मिल का पत्र हुए उनके कार्यों को लेकर, इसमें कहीं को दोहराया नहीं। हाथरस में सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार सिंह की बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई है। आपको बता दें कि सिकंदरा राव क्रीड़ा स्थल पर विशाल बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली की तरफ से अवधेश कुमार सिंह को सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। घोषणा के बाद समर्थकों ने अवधेश कुमार सिंह को फूल माला पहना कर बधाई दी। वहीं बीएसपी के तत्वाधान में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो हाथरस में अवधेश कुमार सिंह बीएसपी के प्रत्याशी बन चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगनी शुरू हो गई है। बीएसपी भी पूरी तरह से एक्टिव है। मुनकाद अली ने इस बात की घोषणा की है कि अवधेश कुमार सिंह बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी और 4 बार चली तो बहुजन समाज पार्टी ने वो कार्य करके दिखाए जो आज तक आज़ादी से आज तक किसी भी सरकार में इतने कार्य जनता के हित में प्रदेश के हित में नहीं हुए। और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय, उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनी।